हेलो दोस्तों, तो आज आप लोग को क्लास 10 का अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपका एक्सरसाइज आपका जो है 8.4 में हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग को देख लिए थे। कहाँ तक 8.4 में आप लोग को वीडियो में देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर और ये बैठे हैं तो ठीक ना, 15 मिनट प्लस होते तो कह दी। आप लोग को पिछले वीडियो में 32 तक हम लोग देख चुके थे, आज हम लोग 33 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1/2 कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 = 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो अब हम लोग इसको कैसे सिद्ध करेंगे, एलएचएस से हम लोग देखेंगे। एलएचएस में आपका क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1/2 आपका कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आंख मूंद करके देखिए आपको लाना है साइन कॉस में, ऊपर में लाना है आपका ज्यादा और नीचे में लाना है कम। एक ही बात को ध्यान रखेंगे, ऊपर में लाना है आपका ज्यादा और नीचे में लाना है कम। तो इससे आपको डरने की बात नहीं है, काफी सरलतम से ये बन जाएगा। क्या करना है कि ऊपर में 1 का वैल्यू रख देंगे कोसेक और कॉट के रूप में, ऊपर में वैल्यू रख देंगे कोसेक और कॉट के रूप में और नीचे छोड़ देंगे, क्योंकि नीचे कम लाना है ऊपर ज्यादा लाना, तो ज्यादा वाला को और बढ़ाएंगे तब ज्यादा आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 के स्थान पर कोसेक और कॉट के रूप में फॉर्मूला होता है 1 के स्थान पर, तो 1 के स्थान पर रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अबटा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस, इसको जैसे ही तोड़ेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अबटा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। यहां देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक पद आपका ये है और दूसरा पद आपको ये है, दोनों में देखिए तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा, उस कॉमन को हम लोग निकाल लेंगे। तो कॉमन है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन है, तो चलिए इसको हम निकाल रहे हैं, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां बच गया 1 माइनस, यहां बच गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये माइनस से गुना हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा अवटा, नीचे बच गया कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों कैंसिल हो रहा है, काट दीजिए, आपको बचा क्या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको बच चुका है बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब कुछ नहीं करेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को अब हम लोग इसको साइन कॉस के रूप में तोड़ देंगे, 1/2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा / साइन थीटा। तो चलिए साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, यही तो आपका आरएचएस है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद
आपका 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपको पूछेगा तो 5 नंबर, नहीं तो नहीं पूछेगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टैन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टैन थीटा बराबर 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम एनसीईआरटी में है, जिसमें लाना अलग है। आरएचएस में जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इसमें लाना इतना के स्थान पर, इतना के स्थान पर लाना आपको है 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए लाना कुछ भी रहे, सबसे पहले आप लोग को हम एक ही तरीका बताए हैं कि इसको सबसे पहले आप लोग आंख मूंद करके एक आप साइन कॉस में तोड़ दीजिए। और आपको हम कोई तरीका अभी तक नहीं सिखाया है, आंख मूल लेना है और साइन कॉस में तोड़ देना है, बाकी जो होगा हम अगले क्लास वीडियो में देखेंगे। तो एलएचएस में आपका क्या है, टैन थीटा, तो टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा बटा 1 माइनस टाइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला को साइन बटा कॉस छोड़ दीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा यहाँ पे ये दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका हो गया साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस ये है जो रह गया, कॉस थीटा अबटा साइन थीटा अबटा नीचे एलसीएम ले लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नीचे वाला कहां चल जाएगा, ऊपर, नीचे वाला कहां चल जाएगा, ऊपर, और यहां भी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे, सॉरी ये टाइन थीटा था, तो टाइन थीटा था तो साइन बटा कॉस होगा, और यहां एलसीएम लेंगे तो आपको कॉस थीटा, यहां हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए नीचे वाला को ऊपर पहुंचाइएगा तो आपका हो जाएगा साइन थीटा साइन गुने साइन साइन स्क्वायर थीटा अबटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब प्लस नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अबटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां देख रहे हैं साइन माइनस कॉस, यहां है कॉस माइनस साइन, तो कुछ नहीं करना है, यहां से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये और ये दोनों समान हो जाएगा, बस बराबर साइन स्क्वायर थीटा अबटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस यहां से कॉमन निकाल रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा अबटा साइन थीटा इंटू, जब माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो जो माइनस रहता है वो प्लस में और जो प्लस रहता है वो माइनस में, तो यहां हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए अब इसको हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, कुछ नहीं करना है, एक ही बात ध्यान रखना है कि जो भी दिया हुआ है एलएचएस से चल के साइन कॉस में तोड़ दीजिए, अपने आप टूटते टूटते नीचे इतना आ चुका। अब देखिए इस बात को हम डिलीट करते हैं, अब देखिए ऊपर में जो आपका एलसीएम आ गया, अब ये दोनों में फिर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां पे वो साइन थीटा। एलसीएम लेने का ये तरीका है, जो मिलता है उसको एक बार, तो साइन माइनस कॉस दोनों में मिल रहा है, यहां कॉस थीटा था यहां कॉस थीटा है, यहां साइन थीटा है यहां साइन थीटा नहीं मिल रहा था, तो ये दोनों इंटू में आ गया। अब देखिए कॉस थीटा इंटू इतना, कॉस थीटा इंटू इतना मिल रहा है, अर्थात ये ऊपर जाकर के गुणा, तो ऊपर में कौन है साइन स्क्वायर, यहां हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहां देखिए
साइन थीटा और इतना मिल रहा है, तो बचा कौन? कॉस थीटा, ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो कॉस क्यू थीटा। अब देखिए आपका जो हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, अब फार्मूला काम करेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या पढ़े हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर पढ़े हैं ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, अ प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, अ प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटा आपका हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल। अब बचा क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा अपलस कॉस स्क्वायर थीटा अपलस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अबटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यदि आप सिद्ध कर रहे हैं, अब आरएचएस पर ध्यान रखिए, सिद्ध करना था आरएचएस में, जो आपको सिद्ध करना था आरएचएस में वो वन प्लस टाइन थीटा अपलस कॉस थीटा था, और एनसीईआरटी में जो सिद्ध करना है आरएचएस वो सिद्ध करना वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो अब कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे, तो देखिए यदि केसी सिन्हा वाला सिद्ध करने चले हैं तो के पद लाना है, तो ध्यान रखिएगा आरएचएस में आपका तीन पद लाना है, तो एक पद दो पद तीन पद आ चुका है, अगर केसी सिन्हा वाला सिद्ध करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, बंटवारा कर दीजिए, अपने आप ये सिद्ध हो जाएगा। अगर इसको सिद्ध करना एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी में कुछ नहीं करना, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान वन होता है, इतना का वैल्यू वन पुट कर देंगे, बाकी होगा जी देखें। तो चलिए अब हम लोग केसी सिन्हा सिद्ध करते हैं, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अब बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल, एगो से एगो कैंसिल, यहां एगो से एगो कैंसिल। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब बचा है क्या भाई, तो अब कुछ नहीं करना है, यहां बचा है साइन थीटा, बचा है साइन बटा कॉस बराबर टाइन थीटा, अब प्लस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन बराबर कॉट थीटा अब प्लस वन, आरएचएस ही लाना था, हो गया कितना 13। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन कम से कम 35 बार पूछा होगा, वन माइनस कॉस थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा क्यू होल स्क्वायर, एनसीईआरटी 8.4 के चौथा का ये पहला हिसाब है, तो डरने की बात नहीं है, सबसे पहले इसको एलएचएस से चलेंगे, वन माइनस कॉस थीटा अब बटा वन प्लस कॉस थीटा, कुछ नहीं करना है, हर का परिमेयकरण कर दीजिए अपने आप सिद्ध हो जाएगा, गुना वन प्लस कॉस थीटा अब बटा वन प्लस कॉस थीटा बराबर, हर का परिमेयकरण में आप लोग पढ़े हैं कि हर के चिन्ह के विपरीत, तो हर का चिन्ह क्या है प्लस, तो माइनस लेकर के गुना भाग कर दीजिए। अब देखिए वन माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर अब बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर अब बटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर अब बटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ऊपर में भी स्क्वायर है नीचे में भी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा
ये टोटल का होल स्क्वायर बंटवारा कर दीजिए, वन बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर बराबर वन बटा साइन बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉस बटा साइन बराबर कॉट थीटा। अब देखिए माइनस में है, होल स्क्वायर है, तो आप आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आरएचएस प्रूफ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कितना? 15। चलिए अगले में आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग 36, 37, 38 एक ही प्रकार के हैं। 36 बना देते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इतना लाना, तो डरने की बात नहीं है, काफी ये सब इजी होता है। देखिए आप लोग ध्यान रखिए कि कहां कम लाना है, एलएच ऐसे चलेंगे, रूट वाला से इजी कोई हिसाब नहीं होता है। अंदर रूट वन प्लस कॉस थीटा अबटा वन माइनस कॉस थीटा, ध्यान रखिए कि रूट वाला से भी इजी कोई हिसाब नहीं होता, ये ध्यान रखिए कि कहां पे कम लाना है। तो वन प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, नीचे कम लाना है ऊपर ज्यादा लाना है, तो जो यहां पे कम लाना है उसी का परिमेयकरण कर देंगे। यदि अंश में कम लाना है अंश का परिमेयकरण, हर में कम लाना हो तो हर का परिमेयकरण, लाना कहाँ कम है तो लाना कम है आपको हर में, तो हर का परिमेयकरण कर दीजिए, अंदर रूट वन माइनस कॉस थीटा बटा वन माइनस कॉस थीटा, कुछ नहीं कर बराबर रूट अंदर। अब यहां देखिए हर का परिमेयकरण में हर के चिन्ह के विपरीत चिन्ह लेकर के, यदि अंश का करना होगा तो अंश के चिन्ह का विपरीत, अंश का कब करेंगे जब अंश में कम रहेगा तब, हर का कब करेंगे जब हर में कम रहेगा तब, यही ध्यान रखना। चलिए अब इसमें आप लोग वन प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंदर वन प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा बंटवारा कर देंगे, स्क्वायर से रूट भाग जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, वन बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा, सॉरी इतने तो लगता है लाना है, हो सकता है इसी को दे ले रहेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा सिद्ध करना, तो बस बंटवारा कर दीजिए जैसे आपका क्वेश्चन है सिद्ध करना 38 में, इसी प्रकार से आपका 39 तक समा 18। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अंदर रूट वन प्लस साइन थीटा अबटा वन माइनस साइन थीटा प्लस अंदर रूट वन माइनस साइन थीटा बटा वन प्लस साइन थीटा बराबर टू सेक थीटा। चलिए अब कुछ नहीं करना है, एलएचएस से चलिए और प्रत्येक का परिमेयकरण कर दीजिए, यहां भी रूट है, रूट जैसी दिखे कुछ नहीं सोचना, परिमेयकरण कर देना, यहां भी परिमेयकरण यहां भी परिमेयकरण, अपने आप ये सिद्ध हो जाए। तो चलिए वन प्लस साइन थीटा बटा वन माइनस साइन थीटा अगुना वन प्लस साइन थीटा अबटा वन प्लस साइन थीटा अपलस अंदर रूट वन माइनस साइन थीटा अबटा वन प्लस साइन थीटा अगुना वन माइनस साइन थीटा अबटा वन प्लस वन माइनस सॉरी वन माइनस साइन थीटा बटा वन माइनस साइन थीटा बराबर रूट अंदर, यहां पे दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर ए प्लस बी इन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट
वन माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर अबाटा वन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर अबाटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर अबाटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल तो वन प्लस साइन थीटा अबाटा कॉस थीटा अब प्लस वन माइनस साइन थीटा अबाटा कॉस थीटा अब कुछ नहीं करना एलसीएम ले लीजिएगा अपने आप कर छट करके ये आ जाएगा इसके बाद अपने कर लीजिएगा। थैंक यू। अब हम लोग अगले वीडियो में आप लोग को 41 हम आगे देखेंगे और ये चैप्टर को समाप्त करेंगे।